मेरी पहली फ्लाइट थी 22 अप्रैल सन 2007, जंबो जेट था मलेशिया का। तो शुरू में तो वो यूं चल रहा था, अरे मैंने कहा ये पहुंचा दिया मलेशिया ऐसे। जैसे ही उसने गति को बनाया और उसने जैसे ही गुरुत्वाकर्षण को जमीन को छोड़ा तो मेरी नाभि में ये जो ठंड लगी रे, ये करोड़ों में नहीं बताई जा सकती। यहां जो आनंद आया है ना, ये जो आनंद आया, और फिर विदेशों की होटल्स का ट्रीटमेंट भी गजब है, जबरदस्त। मैं सबसे पहले गांव का देसी आदमी बाथरूम जरूर देखता है क्या व्यवस्था है। मैं टब जाके देखा और टब में जैसे लेटा तो हाथ निकल के आए, मैं जंप मार के बाहर आया और बाप रे ये क्या लपड़ा है। मैंने मेरे दोस्त को फोन मिलाया, मैंने कहा भैया हाथ निकल रहे हैं। उन्होंने कहा रे पागल हाथ नहीं है, ये पानी का फ्लो ही ऐसा आ रहा है जो तेरे मालिश करेगा, ये जकूजी बात है, साधारण टब नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला, मैं 7 घंटे तक उसी में आनंद लिया। मैंने कहा भाड़ में गई जनता, तू ले ले मजे इसके, बाद में आए नहीं आए, 7 घंटे तक उसी में रहा। और इतना आनंद आया कि अगर खान में काम करने वाला कोई मजदूर उसमें सो जाए तो सुख से ही मर जाए, सारा सुख से मर जाए। एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे, जा रहा था बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया तो इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं, इधर की हवा है साला, इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाव मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां भाग रहे भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है, बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए, कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो, और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो, जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं कईयों की माला टूट गई ये नहीं पता, सुनाता हूं। एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊंगा, तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को, बुरका पहना के भाई अब कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी, ऐसे है कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी, तो बच्चे ने बोला हलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसने बकरी की देखी हुई है, क्योंकि जिसने आज तक देखी नहीं उसको रुद्राक्ष की माला का पता भी नहीं चलेगा। जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत दुख देखे और बहुत असफलताएं और धोखे देखे हैं ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी उसका माथा ऐसा ऐसा कहेगा, दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है भैया, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में सब धोखेबाज है दुनिया में है। क्योंकि ये माइंड जो सिमुलेशन करेगा, वो पहले के जो ग्राफ बन गए, जो पहले के पैटर्न बन गए, जो पहले के अनुभव बन गए, उनके आधार पे आपकी जिंदगी में प्रिंट बनाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप में मैं सब लोगों को सीधा प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको ज्वालामुखी में कूदा दिया जाए तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आप ज्वालामुखी में कूद तो चुके, अब आप पहला काम क्या करोगे? आनंद लोगे, वहां पे डांस करोगे, पहला काम क्या करोगे? चिल्लाओगे या निकल के भागोगे?
ये तो भूल ही गए सबके निकल के भागना भी है, चलवानी है क्या वहां पे सारी? बताओ बताओ पहला काम क्या करोगे? भागोगे ना, और कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सी भी अपन जब माचिस की तिल्ली से भी जलते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि बाहर है। अरे हटाई इसको, बाहर है क्या कर रहा है? हटाते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी में कूदोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा है क्या? तो कूदने का तो लफड़ा ही नहीं, फिर भी आप भागोगे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले के अनुभव ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी में जल जाती है। पहले के अनुभव और मानसिक चित्रण ये कह रहा है ज्वालामुखी में लावा होता है और वो गर्म होता है। जो कभी देखा नहीं उसके लिए भी कह रहे भागेंगे भागेंगे। अच्छा आपके सामने डायनासोर आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? हेलो हाउ आर यू, फेसबुक आईडी क्या है, ऐसा पूछोगे? पहला काम क्या करोगे? अपन ने डायनासोर देखा क्या? लेकिन पहले के अनुभव कह रहे हैं भागने में ही फायदा है। ऐसे जिंदगी में हमारे जो अतीत के अनुभव है ना, मतलब दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। मेंटल सिमुलेशन उसी का पॉजिटिव होगा जिसकी जिंदगी में पहले के कुछ ब्लूप्रिंट पॉजिटिव हैं।